FM. COVID-19 पेंडेमिक के दौरान बड़े हों या बच्चे घरों में ज्यादा रह रहे हैं और रहना भी चाहिए। बच्चे घरों में हैं तो इंटरनेट पे ऑनलाइन ज्यादा हैं और इस वजह से जो ऑनलाइन बुरे लोग हैं, प्रेडेटर्स, जो बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो ज्यादा एक्टिव हुए हुए हैं। ग्लोबल न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि cybertip.ca, जो कि कैनेडियन सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन के तहत काम करता है, उसने रीसेंट टाइम्स में इस तरह की रिपोर्ट्स में बहुत इंक्रीज देखा है। क्यों? वजह ये बताई जा रही है कि एक तो बच्चे ऑनलाइन ज़्यादा हैं और ये बात उन बुरे लोगों को पता है, इसलिए वो ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं। ये प्रेडेटर्स बच्चों को ऑनलाइन कोई गलत चीज़, बुरी चीज़ लिखते हैं या भेजते हैं, फिर बच्चों को उकसाते हैं, बहकाते हैं कि कोई गलत बुरा काम करो। बच्चे तो भोले होते हैं, अगर वो इन बुरे लोगों की बातों में आ जाए तो फिर बच्चा फंस जाता है। फिर ये बुरे लोग बच्चों को और पुश करते हैं कि और ऐसे गलत काम करो, वरना हम तुम्हारी बातें, चीज़ें घर वालों को बता देंगे, इंटरनेट पे शेयर कर देंगे, पैसे मांगते हैं, मिलने को कहते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से बचने का तरीका क्या है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम अपने बच्चों को इंटरनेट यूज़ करना सिखाते हैं तो साथ ही साथ इंटरनेट की जो प्राइवेसी है और सेफ्टी है वो भी सिखाएं। बच्चों को बताएं कि अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी स्ट्रेंजर को मत दें, क्योंकि ये बुरे लोग कभी कभार बच्चा बन के भी बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बच्चों को ये समझाना चाहिए कि कोई ऐसी बात इंटरनेट पे शेयर ना करें जिससे वो बच्चा आइडेंटिफाई हो सके। अपना नाम ना बताएं, कहाँ रहते हैं मत बताएं, कितने सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, कोई ऐसी बात शेयर ना करें। साथ ही साथ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इस मसले का हल ये नहीं है कि बच्चों से उनकी डिवाइस ले लें या इंटरनेट ले लें। नहीं, दुनिया आज इंटरनेट पर है, डिवाइसेस पर है, तो हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि आप इंटरनेट को किस तरह सेफली यूज़ कर सकते हैं, ताकि इस पेंडेमिक के दौरान हम बच्चे सब वायरस से भी सेफ रहें और दूसरे डेंजर से भी सेफ रहें।